अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको के जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं ट्रेडिंग के लिए वो कौन कौन से हैं। तो आज मैं एक ब्रोकर का रिव्यू करने लगा हूँ कि वो उसका अकाउंट किस तरह बनाना है और उसमें मिनिमम स्प्रेड क्या है और बाकी उसका जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें मैं बताऊँगा आपको। तो जिस ब्रोकर का मैंने आज रिव्यू करना है या जिसकी डिटेल करनी है, उसका नाम है एक्सम ब्रोकर। एक्सम ग्लोबल के नाम से उसका नाम है। तो उसकी वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पर एक्सम ग्लोबल आपने यहाँ पर टाइप करना है। जब आप एक्सम ग्लोबल टाइप करेंगे तो उसकी यहाँ पर वेबसाइट जाएगी। तो वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है, ओपन अ डेमो अकाउंट या ओपन अकाउंट। ठीक है, आप जो है अपना अकाउंट डायरेक्ट ओपन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप एक जो है डेमो अकाउंट भी इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये डेमो अकाउंट बनाया है अभी जस्ट आपके लिए कि आपको बताऊँ किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो डेमो अकाउंट बनाने के बाद मैंने फिर आगे इसका जो प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि आप डेमो अकाउंट किस बनाना है। जस्ट आपने ओपन डेमो अकाउंट पर क्लिक करना है, तो उसके बाद अपने ईमेल्स वगैरह अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर एंटर करनी है ईमेल्स की। तो अभी एक ओपन वाले वेबसाइट फिर देखते हैं। जी, इसकी ये वेबसाइट ओपन हो गई है अभी आपके सामने ही है। तो जैसे यहाँ पर अपना नेम, अपनी सिटी का और उसके अलावा ईमेल वगैरह एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, MT5 या MT4, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कितनी चाहते हैं, $1,000 या 1 मिलियन, जितने भी है। ये डेमो अकाउंट आप जितने भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अकाउंट टाइप आप शेयर्स करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट करना चाहते हैं, या इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करें जो आपको सूट करता है। और करेंसी आपने यूरो करनी है, USD करनी है, जो भी करनी है। तो मैं USD करता हूँ। यहाँ पर अकाउंट वगैरह लिखने के बाद आपने अकाउंट डेमो अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है आपका ईमेल पे जाएगी, आपकी ईमेल एड्रेस पे ईमेल चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ईमेल चली जाएगी और आपने फिर क्या करना है, ईमेल से वेरीफाई करना है अकाउंट को। तो ईमेल से जब अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपको एक आईडी दी जाएगी, लॉगिन आईडी, और पासवर्ड आपने एंटर करना है। उसके बाद फिर आप जो है आपको कहा जाएगा कि आपने इसका जो MT5 जो है प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें, और उसके बाद एक्सम को भी डाउनलोड करें, और उसी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ईमेल, इसकी जो ईमेल आती है और उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन जो कहते हैं कि डाउनलोड करें आप, वो किस तरह से होता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सही है, ये रिकॉर्डिंग की स्क्रीन थोड़ा सा इशू कर रही है, तो एक मिनट में मैं पॉज। जी, तो जिस तरह ये दिखाया मैंने ईमेल में, ये ईमेल आती है आपको, इसमें आपके आईडी देते हैं, लॉगिन आईडी। ठीक है, और पासवर्ड तो आप लोग खुद सेट किया होता है, वो अपने पासवर्ड एंटर करना है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर जो अपने आपको एक डाउनलोड एक्सम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड की वो फाइल जो है डाउनलोडिंग फाइल वो आ जाएगी, वो डाउनलोड कर लेनी है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको ओपन करना है और उसमें अपना जो है जो डिटेल्स वगैरह पासवर्ड वगैरह एंटर करना है। तो फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्रीन का भी थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने ऑर्डर किस तरह लगाना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसका ये जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहे होंगे, अभी एक शो हो रहा है, तब वहाँ पर चार हो रहे होंगे, इस तरह करके कि ये है यूरो और वर्सेस USD का, एक USD वर्सेस जापानी करेंसी का, फिर आगे जो पाउंड वर्सेस डॉलर का, और उसके बाद फिर ये डॉलर वर्सेस स्विस फ्रांस करेंसी का। ठीक है, ये बेसिकली ये कैंडल ग्राफ है। कैंडल ग्राफ से हम अपनी मार्केट की जो है करंट सिचुएशन देखते हैं। ये एरो आपको शो हो रहा होगा, इस पॉइंट से मैंने ट्रेड लगाई थी, अब उसके बाद इमीडिएट नीचे ही जा रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री में शो हो रहा था कि अभी आपने पिछले कौन कौन से ऑर्डर लगाए हुए हैं, एक्सपोजर में आपकी जो लॉट वगैरह चल रही होती है उसका क्या है प्रॉफिट लॉस, और ये ट्रेड पे आपने जो जो ट्रेड ओपन की होती है और क्लोज करी होती है उस ये वहाँ पर ये शो हो रही होती है। ठीक है, फिर बाकी न्यूज़ वगैरह हैं कि आप किस कंट्री में क्या हुआ है, किस कंट्री में क्या हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो आपकी ट्रेडिंग है वो न्यूज़ पर बहुत डिपेंड करती है, न्यूज़ की वजह से ही ट्रेड ऊपर नीचे जाती है। तो ये मेल बॉक्सेस हैं, ये यहाँ पर कैलेंडर है। ठीक है, आप कोई भी कैलेंडर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं,
तो अभी ये जापान चाइना का शो रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, उसके बाद लूनर न्यू ईयर चल रहा है, ये सारी की सारी न्यूज़ से रिलेटेड है कैलेंडर वगैरह, क्योंकि न्यूज़ जो है ट्रेडिंग में बहुत ही मैटर करती हैं। तो मोस्टली जो न्यूज़ हैं अमेरिका की जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो बिग कह लें कि बिग फिशेज़ हैं इन्हें कहते हैं, उनकी जो कंट्री की न्यूज़ बहुत मैटर करती है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर शो हो रही है, जो आपने ट्रेड ओपन की होती है उसका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपको शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे शो हो रहा है कि आपने 0.01 की लॉट परचेज़ की है और 1.08 समथिंग है यहाँ पर बाय सेल चल रहा है यहाँ पर अभी रेट। ये स्प्रेड चल रहा है यहाँ पर 16 का स्प्रेड है, यहाँ पर 20 का स्प्रेड चल रहा है, ठीक है। तो नेविगेटर्स वगैरह हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप अगर आप न्यू ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करके न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्राफ शो होता है, ग्राफ आपने कैंडल देखना है या लाइन देखना है, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जूम इन जूम आउट वाला है ये, बाकी जो है ड्रा करने के लिए ये कर्सर है, कर्सर को, ठीक है, इस तरह करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ समझ आई आ गई होंगी। बाकी ये सारा का सारा ये जब आप यूज़ करेंगे तब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।